श्री गुरु हरगोबिंद जी का जन्म 1595 ईस्वी में जिला अमृतसर के एक पिंड वडाली विखे होया सी। आप जी के पिता पंजवे गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी सन। आप जी की माता का नाम गंगा देवी सी। श्री गुरु हरगोबिंद जी अपने माता पिता की इकलौती संतान सन। आप जी की सिक्ख्या विच बाबा बुढ़ा जी का बहुत योगदान सी, जिन्हां ने आप जी नूं धार्मिक सिक्ख्या दे नाल नाल सशस्त्र विद्या अते घोड़सवारी विच वी निपुण बना दित्ता सी। मुगल बादशाह जहांगीर ने धार्मिक कट्टरता कारण गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कर दित्ता सी अते मुगल सरकार सिक्खां नूं नष्ट करना चाहुंदी सी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने अंतम सुनेहे विच गुरु हरगोबिंद जी नूं सशस्त्र धारण करके जुल्मां दा मुकाबला करन दा हुक्म दित्ता सी। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने गद्दी ते बैठन समय मीरी अते पीरी दियां दो तलवारां धारण कीतियां। इह तलवारां मीरी अते पीरी भाव शक्ति अते भगती देख अते देख, एक दुनियावी शक्ति अते दूजी अध्यात्मक शक्ति दियां प्रतीक सन। एक तलवार जालम नूं सद्दा देण लई अते दूसरी मासमां नूं बचाउण लई सी। गुरु साहिब ने कहा सी कि उह मीरी नाल सिखां दे संसारक हितां दी रक्षा करनगे अते पीरी नाल सिखां दे अध्यात्मक हितां दी रक्षा करनगे। इस तो पहलां सिख केवल संत सन, परंतु इस तो बाद सिखां ने संत सिपाहियां दा रूप धारण कर लिया सी। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने हरिमंदर साहिब दे सामने लगभग 100 गज दी दूरी ते एक नवा भवन बनवाया। इस दा नाम अकाल तख्त अर्थात रब दा सिंघासन रख्या गया। इस भवन ते निर्माण दा काम 1609 ईस्वी विच पूरा होया। इस दे अंदर एक 12 फुट विच थड़े दा निर्माण किया गया, जो सिंघासन दी तरह सी। गुरु साहिब इस दे राजियां दी तरह बैठते सन, दरबार लगाउंदे सन, इंसाफ करते सन, सिखां नूं इनाम देंदे सन अते सजावां सुनाउंदे सन। अकाल तख्त दा हरिमंदर साहिब दे सामने होण दा विशेष महत्व इह है कि अजिहा करके गुरु साहिब ने धर्म अते सियासत नूं इकट्ठा कर दित्ता। अकाल तख्त अज वी सिख पंथ दी एक महत्वपूर्ण संस्था है। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी तो बाद जद गुरु हरगोबिंद जी ने नवी नीति धारण की अते फौज रखनी शुरू कर दी, गुरु हरगोबिंद जी की नवी नीति द्वारा सिख धर्म विच वड्डा परिवर्तन आया। सिख जो हुण तक संत सन, उन्होंने संत सिपाहियां दा रूप धारण कर लिया। मुगल सम्राट जहांगीर गुरु साहिब की नवी नीति नूं शक्ति निगाह नाल देखता सी अते उसने गुरु साहिब नूं ग्वालियर के किले विच कैद कर दिता। परंतु बाद विच सूफी फकीर मियां मीर दे कहण ते गुरु साहिब नूं रिहा करन दा हुक्म दे दिता। गुरु साहिब दी रिहाई दे हुक्म दा समाचार सुन के ग्वालियर दे किले विच कैद बहुत सारे राजे उदास हो गए। गुरु साहिब ने जहांगीर नूं सुनेहा भेजिया कि जदों तक ग्वालियर विच कैद सारे राजियां नूं रिहा नहीं किया जाता, उदों तक वह कैद तो बाहर नहीं जाणगे। गुरु साहिब दे कैद ते जहांगीर ने इत्थे कैद 52 होर राजियां नूं भी रिहा कर दिता। इसलिए गुरु साहिब नूं बंदी छोड़ बाबा भी कहा जाता है। रिहा होने तो बाद गुरु साहिब दिवाली वाले दिन अमृतसर पहुंचे अते उन्हां दे आगमन की खुशी विच दरबार साहिब नूं रोशनियां नाल सजाया गया। इस कारण ही दिवाली वाला दिन सिख जगत विच बंदी छोड़ दिवस वजों मनाया जाता है अते समुचे दरबार साहिब नूं अज तक भी रोशनियां नाल सजाया जाता है। 1645 विच श्री गुरु हरगोबिंद जी अपने ही वसाए नगर कीरतपुर साहिब विखे ज्योति जोत समा गए। उन्हां वल्लों सिखां नूं दित्तियां गईयां सिख्यावां अज दे समें दे विच वी लाहेवंद है। अज श्री गुरु हरगोबिंद जी दे प्रकाश पुरब मौके असीं सारे जगत नूं मुबारकबाद दिंदे हां।